प्रधानमंत्री की सोच है ना, ये कुछ नहीं हो सकता। युवा बेरोजगार हो गया, आम आदमी सड़क पे आ गया, पड़िया खत्म हो गई है, तो कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूँ। क्या करा उन्होंने देश के लिए? कुछ नहीं किया है। हम जैसे युवाओं का पढ़ा लिखा इंसान रोड पे घूम रहा है और देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं देश का हालात ठीक कर दूंगा। नोटबंदी करने से देश के हालात ठीक नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, देश में पैसा नहीं है, युवा नहीं है, कैसे करेंगे बताओ? देश का विकास कैसे होगा? कहाँ से हो रहा है विकास? कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास कहाँ है? विकास विदेशों में नहीं है, इंडिया में है। पहले भारत में तो रहो, तब तो विकास होगा। भारत में आप दिखते हो, आप विदेशों में घूमते हो। भ्रमण करने से विकास नहीं होता है, देश में रहने से, देश के हालात देखने से। आप गांव में जाके देखो, गरीबी देखो, लोग दो दो रुपए के तरस रहे हैं, छोटे छोटे उनके पास कुछ लघु उद्योग कुटीर उद्योग के लिए रोजगार के लिए पैसा नहीं। कहते हमने जनधन योजना खोली, कौन सी जनधन योजना खोल दी? सारे खाते खोले, पैसे डाल दिए, खाते बंद कर दिए। कहाँ है हमारा पैसा? लोग अपने पैसों के लिए पर्ची ले लेके लाइन में लग के अपना पैसा ले रहे हैं। कौन सा लोन मिल रहा है? जो गरीब आदमी जिस चीज के लिए जरूरत है ना, उस आदमी को लोन नहीं मिल रहा है। लोन उन लोगों को मिल रहा है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे, उनको लोन मिल रहा है। आम आदमी को लोन नहीं मिल रहा है, आम आदमी उसके लिए आज भी वंचित है। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी से उन्हीं लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जिनके पास काला धन है। काला धन तो मुझे लग रहा है मोदी जी को दर्द हो रहा है, उन्हीं के पास ही होगा काला धन, हमारे पास नहीं। हम तो गरीब है, हम तो आज भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कांग्रेस सरकार ने गरीबों की सरकार थी, गरीबों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जाति हर धर्म हर तबके लोग। कांग्रेस सरकार ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। भाजपा सरकार ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश में दंगे, हर चीज भाजपा की सरकार में हुआ है, कांग्रेस सरकार में नहीं होता था। और किसान बेचारा आज भी धरने में, किसान में डंडे लाठियां बरसाई जा रही है। किसान बेचारा अपनी फसल की उसे आज तक आधे लागत मूल्य नहीं मिले। किसान को कौन